हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी फैंटेसी में। गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं फ्रांस और पोलैंड के बीच में होने वाले कल के वर्ल्ड कप मैच की, जो कि राउंड ऑफ 16 का मैच है। गाइस, इसमें जो भी टीम यहाँ पर वॉन करेगी वो यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। तो गाइस, फ्रांस और पोलैंड के बीच में जो रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं गाइस, उसमें 8 बार यहाँ पर फ्रांस ने वॉन किया है, 5 बार यहाँ पर ड्रॉ किया और 4 बार यहाँ पर पोलैंड ने भी वॉन किया है। तो अगर रिसेंट अगर जो मीटिंग हुई थी गाइस, जिनके यहाँ पर इंटरनेशनल फ्रेंडली में हुई थी गाइस 2011 में, वहाँ पर फ्रांस ने जीता था, उससे पहले ड्रॉ हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेंडली जो लास्ट के 3 मैच हुए उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मैच थे, ठीक है, वहाँ पर भी फ्रांस ने ड्रॉ किया था। और ज़्यादातर इन दोनों के बीच में गाइस यहाँ पर ड्रॉ मैच ज़्यादा हुए हैं और फ्रांस ने यहाँ पे 8 मैच जीते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट 5 गेम्स की, इनका यहाँ पे रिसेंट 5 गेम्स में कैसा परफॉर्मेंस है। फ्रांस ने यहाँ पे आप देखेंगे 3 मैच तो वर्ल्ड कप के ही आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 मैच में गए, यहाँ पे फ्रांस ने 2 मैच जीते हैं और एक जो लास्ट मैच है ट्यूनिशिया के अगेंस्ट हार गए थे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी बेंच को खिला दिया था। एक्चुअली में जो मेन प्लेयर थे तो खेल नहीं रहे थे पूरे मैच में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ट्यूनिशिया से ये लोग हार गए। बट उस हार से आप ये मत सोचना गाइस कि यहाँ पे फ्रांस की टीम बिल्कुल ही कमज़ोर है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर इनके रिसेंट के 3 में वर्ल्ड कप मैच की अगर बात की जाए पोलैंड के, तो मैक्सिको से 0-0 यहाँ पे ड्रॉ खेला था, उसके बाद सऊदी से जीत गए थे और यहाँ पे अर्जेंटीना से लोग हार गए थे। बट ये लोग गाइस यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं। लाइनअप की अगर बात की जाए तो गाइस क्या लाइनअप होगी इस मैच, जो प्रोबेबल लाइनअप हो सकती है, तो गाइस पहले हम फ्रांस की बात करते तो भाई यहाँ पे आपको जो सेंट्रल फॉरवर्ड यहाँ पर पोजीशन में आपको दिख जाएंगे वो है यहाँ पे गिरुड। तो गिरुड को भाई अपनी टीम में आपको 100% लेना है। यहाँ पे फ्रांस जो टीम है गाइस यहाँ पे 4-2-3-1 के फॉर्मेशन से खेलने के लिए उतरेगी, जैसे नॉर्मली खेलती आती है अभी तक। उसके बाद गाइस यहाँ पे आते हैं ग्रीज़मान, तो ग्रीज़मान को आपकी अपनी टीम में पक्का रखना गाइस, क्योंकि अगर ये प्लेयर गोल भी ना मारे या असिस्ट भी ना करे तभी गाइस ये बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पे देता है आप लोगों को, पासिस के पॉइंट देता है, टैकल्स के पॉइंट देता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड में ये जो एरिया है ना गाइस, ये ग्रीज़मान जो एरिया है गाइस ये वाला एरिया कवर करके चलता, तो यहाँ पर आपको क्या है कि पासिस इंटरसेप्शन सबसे अच्छे पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे मेवापे है गाइस, मेवापे भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और जैसे जो फ्रांस को जो भी पेनल्टी मिलती है वो लेते भाई कौन, मेवापे लेते हैं, ठीक है। तो मेवापे को आपको जरूर रखना है अपनी टीम में और इसको कैप्टन, ये वाइस कैप्टन आपको करना ही करना है स्मॉल लीग में। अब डेम्बेले की बात है गाइस, चलने को चल सकता है बट इसका रिस्क ये है कि गाइस अभी तक यहाँ पर ज़्यादा चला नहीं है 3 मैचों में, और जो क्लब के मैच खेलता है, ठीक है, जिस क्लब से खेलता है वहाँ तो ठीक चलता है, बट अभी यहाँ पे फ्रांस वाले मैच में ये ज़्यादा चल नहीं रहा है। जैसा आज नीदरलैंड वाले मैच में कौन डैम्पायर चल गया था, तो वैसे कल के मैच में क्या पता ये चल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्रांस के भी प्लेयर लेने पड़ेंगे, तो साफ साफ इनको भी आप रख सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बड़े प्लेयर भी आगे ही खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो रेबियोट है गाइस, रेबियोट का गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, इनके स्टैट्स मैं आपको बता दूंगा, और इस वर्ल्ड कप में भी यहाँ पर ये गोल मार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, काफ़ी अच्छा उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे हर्नांडेज है, यहाँ पे ओपमेकानो है, यहाँ पे शायद वराने हैं, यहाँ पे कौंड है, ठीक है, तो सारे यहाँ पर डिफेंडर अच्छे हैं, बस इनमें से अगर आपको एक दो डिफेंडर अच्छे लेने होंगे तो आप यहाँ पे उपकानों को लेना गाइस, इसका गोल करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, वो रहने का ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे गोल करने का प्रोबेबिलिटी रहता है, और यहाँ से आप थाया को अपनी टीम में रख लेना आप चाहो तो, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, पोलैंड के, तो पोलैंड के गाइस आप यहाँ से सिर्फ 4 ही प्लेयर लेने की सोचना, क्योंकि ये हो सकता है जिसके चांस कम है। वैसे मैं ये सोचता हूँ गाइस इस मैच का रिजल्ट 1-0 फ्रांस या 2-0 फ्रांस हो सकता है, पर मैक्सिमम जो मैच की प्रोबेबिलिटी है गाइज वो मुझे लगता है कि 2-1 हो सकता है, मीन जीतेगी तो फ्रांस जो मार्केट का रेट है, और पर ये हो सकता है कि यहाँ पर क्लीन स्वीप ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी गाई ये जो पोलैंड की टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, बिल्कुल ही इसमें लेवेंडोव्स्की जैसे यहाँ पे स्टार प्लेयर खेल रहे, तो इसको आप बिल्कुल भी कमज़ोर समझने की आप गलती मत करना, भले ही अर्जेंटीना से हार गई हो अच्छे से, बट ऐसा नहीं कि टीम बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। तो यहाँ पे से भाई लेवेंडोव्स्की आपको खेलते हुए दिख जाएंगे फ्रंट में, और यहाँ से सिविडेस्की आपको यहाँ पर देखते हुए मिल जाएंगे, दोनों साथ ही में अगल बगल ही यहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर बात करें तो बेलिक खेलेंगे जो पीछे, क्रैवोचिक खेलेंगे, यहाँ पे जेलेंस्की खेलेंगे, जेलेंस्की ने गाइस इस मैच में पिछले मैच में एक गोल मारा था, तो आप इसका ध्यान रख लेना, काफ़ी अच्छा प्लेयर है और जिस क्लब से खेलता है वहाँ पर भी बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म करता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर पेंसोल है, तो ये शायद यहाँ पर ही खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस इनके डिफेंडर में आप देख सकते हैं, डिफेंडर से आपको जो यहाँ पे सबसे बेस्ट डिफेंडर हो सकता है वो जो फ्रंट खेलते गए यहाँ पे एमकेएस हो सकते हैं, एंड यहाँ से मरेंडेस्की हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं, ग्लिक हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी को आपको एक प्लेयर को यहाँ पे पिक करना हो तो यहाँ पे ज़्यादातर
एम के एस के ज़्यादा चांस अच्छे हैं, इनको आप रख लेना, पॉइंट भी दे सकते हैं और आपको चांस भी रहता है इनका गोल करने का। बाकी आप दूसरे ग्लिक हैं, तीसरा आप क्योर या ब्रेस की में से किसी को एक देख लेना। तो गाइस ये है यहाँ पे पोलैंड की प्रोबेबल लाइनअप। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स की। तो आप प्लेयर स्टैट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस गिरुड है, गाइस गिरुड का आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। एंड यहाँ पे पीएसजी क्लब के लिए ये खेलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है 19 मैचेस 9 गोल 5 असिस्ट। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस आप इनके देखेंगे 114 इंटरनेशनल मैच, नेशनल मैच मतलब 49 गोल यानी 11 असिस्ट। और यहाँ पे क्लब का भी देखेंगे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तो आप इनको भाई अपनी टीम में देख लेना, बिल्कुल बहुत अच्छे यहाँ पे प्लेयर है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मबापे की अगर बात की जाए, तो मबापे का गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मबापे ने यहाँ पर 20 में 19 गोल एंड 5 असिस्ट किए हैं जो रिसेंट है। एंड मबापे ने यहाँ पे जो इंटरनेशनल में 72 मैचों में 35 गोल एंड 7 असिस्ट किए हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेने से अगर आप इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन टीम में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है ग्रीज़मान, ग्रीज़मान को अपनी टीम में आप पक्का यहाँ पर ट्राई कर लेना। डेम्बाले को अपनी टीम में आप जरूर ट्राई कर लेना, रेबिट को अपनी टीम में आप जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। रेबिट भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे फॉर्म में है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हर्नांडेस को या नोटे को या उपमाकैनो को या पवाड़ को किसी एक को ट्राई कर लेना, या आप क्लीन शीट के जाओ तो आपको सारे के सारे को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तीन आप फॉरवर्ड वहाँ पर रखोगे या गिरोट रख देना, मैं वहाँ पर रख देना ग्रिजमन, और चारों डिफेंडर को आप ट्राई कर लेना। बात करते गाइस यहाँ पे पोलैंड की, तो पोलैंड का आप यहाँ पर देख सकते गाइस कि यहाँ से लेवांडोस्की है जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टार प्लेयर है। ये भाई कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन तो नहीं बोलूँगा, वाइस कैप्टन तो खैर आप इसको बना सकते हो अगर आप चाहो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे पोलैंड का कोई बंदा गोल करेगा तो उसके लेवांडोस्की के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्वीडस्की है, तो गाइस स्वीडस्की भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, इसके रिसेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इनके रिकॉर्ड देखेंगे इंटरनेशनल का तो काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड है, और यहाँ पे पोलैंड की टीम के लिए बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं। नेशनल मैन का रिकॉर्ड गाइस काफ़ी अच्छा है। बाकी अब कल के मैच में चलेंगे नहीं चलेंगे ये मैं कह नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जेलेस्की शायद न खेले। उसके बाद गए यहाँ पे सिमोंस्की शायद देवी ना खेले। तो उसके बाद गए यहाँ पे जिलेंस्की आएंगे जिन्होंने लास्ट मैच में यहाँ पे गोल मारा था, और इनका गए आप यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हैं 117 नेशनल मैचों में 18 गोल 15 असिस्ट। बाकी गए ये प्लेयर कैसा है ना, ये प्लेयर यहाँ पे टैकल इंटरसेप्शन इस मामले में ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसको आप अपनी टीम में देख लेना। उसके बाद गए यहाँ पे कीवोर आते हैं, ग्लिक आते हैं, ब्रेनार्ड आते हैं, यहाँ पे कैस एंड किमेंस की आते हैं, तो अब इनके रिकॉर्ड आप यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीम की, बट उससे पहले आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर 20,000 रुपये का एक गिवअवे दिया जा रहा है। उसमें आपको क्या करना है कि मैच का फर्स्ट एंड सेकंड गोल की आपको सही सही प्रेडिक्शन देनी है कि कौन से मिनट में आएगा। सपोज मैच का फर्स्ट गोल आता है 17 मिनट में, मैच का सेकंड गोल आता है आपके हिसाब से 33 मिनट में, तो आपको कमेंट में करना है मैच फर्स्ट गोल टाइम 17 मिनट, मैच सेकंड गोल टाइम इज 33 मिनट। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही हो जाती गाइज तो मैं दूंगा आपको 20,000 रुपये का गिव अवे। आपको बस इतना ही इसमें करना है, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की। तो गाइज आपको यहाँ पर पहले क्या करना है कि आपको लेना है यहाँ से फ्रांस के प्लेयर, तो फ्रांस के प्लेयर आप यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर से लेंगे आप मबापे को, गिरुट को, एंड यहाँ पे से लेंगे आप ग्रिजमान को, ठीक है। तीनों को स्मॉल लीग में आपको पक्का रखना है भाई बिना किसी डाउट के। आप चाहो तो इनके परसेंटेज भी चेक कर सकते हो, 93, 67 और 94। अगर किसी ने भी इसमें से गोल कर दिया तो आप वैसे ही हार जाओगे सीधे सीधे, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन प्लेयर को ड्रॉप करके जाओ अपनी स्मॉल लीग की टीम में, ठीक है। उसके बाद गए जैसे आप वराने को रख लेना, नोटे को रख लेना, हर्नांडेज़ को अपनी टीम में रख लेना, उपमेकानो को रखना, यहाँ पे आप चाहो तो वराने को हटा के उपमेकानो को रख दो गाइज, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ठीक है। यानी गोल मारने की एबिलिटी रखता है ये बंदा, वराने की मैं उतनी बोलूँगा। अब आपको चाहो तो यहाँ से एक्चुअली क्या है ना, वराने में प्रॉब्लम है कि ये भी गोल मार सकता है, बट ये बंदा ना ज़्यादा पॉइंट नहीं दे रहा है भाई, ये टैकल इंटरसेप्शन पासेस इसके पॉइंट नहीं दे रहा है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे उपमेकानो इस मामले में ठीक है, नोटे को देखेंगे इस मामले में ठीक है। तो आप चाहो तो नोटे को हटा के उपमेकानो को रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं गाइस यहाँ पे वराने को हटा सकता हूँ, उपमेकानो को अपनी टीम में रख रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे एक प्लेयर रख रहा हूँ गाइस, वो है रेबियोट को मैं रख सकता हूँ, बिकॉज रेबियोट का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, और
हो सकता है कि मैं रेबियट को हटा के मैं यहाँ से ना वराने का रख लूँ और इस 7 प्लेयर के साथ मैं यहाँ पे जाऊँ, और हो सकता है कि मैं यहाँ से वराने को हटा के मैं आप रेबियट को रख लूँ या 7 प्लेयर के साथ यहाँ पे जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, तो 3 डिफेंडर लूँगा या 4 लूँगा, और ये फाइनल टीम मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊँगा अपने टेलीग्राम में। तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। तो चलो बात करते हैं, फिलहाल ये टीम बनाते हैं। उसके बाद गए जब हम पोलैंड की बात करते हैं, तो यहाँ से हम गोलकीपर सेवेस्की को हम यहाँ से रख देते हैं, और यहाँ से लेवनडोस्की को हम यहाँ से रख लेते हैं। उसके बाद गए यहाँ से जेलेंस्की को रख लेंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्लेयर है। उसके बाद गए यहाँ पर ये प्लेयर भी ठीक है, क्राइवोचिक का क्या गया कि ठीक है, मीन गोल मारने की एबिलिटी रखता है, बट रखना नहीं रखना डिपेंड करता कि भाई अभी तक इसने मारा है नहीं, ठीक है, और इसके पॉइंट भी उतने खास हो नहीं रहे। तो मैं तो बोलूँ भाई आप तो ये तो ग्लिक के साथ चले जाओ या तो आप एम कैस के साथ चले जाओ। एम कैस भी गाइज बहुत ही अच्छा प्लेयर है, आप चाहो तो इसको भी अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट अच्छे देता है और यहाँ पे गोल मारने के चांस ज़्यादा रहते हैं एम कैस के। एम कैस ना आगे आके खेलता है, ठीक है, और ये ब्रेस की भी है, ये भी आगे आके खेलता है, तो आप चाहो तो एम कैस रख लो, पर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो मैन प्लेयर के साथ जिनके जो गोल मार सकते हैं उनके साथ जाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से क्राइवोचिक को मैं ले लेता हूँ अपनी टीम में। तो ये चार टीम तो ये चार प्लेयर तो मेरे आगे फ्रंट के हो गए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे से लेवनडोस्की को ले लिया, और दोनों मैंने यहाँ पे ये सोच लिया कि भाई 2-1 का स्कोर हो सकता है। अगर आप सोच रहे कि भाई 2-1 का स्कोर हो सकता है, यानी कि 2-1 या 1-1 का हो सकता है, तो आप ये टीम के साथ जाना। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 2-0 ही होगा, फ्रांस क्रिंसियर से जीत जाएगा, तो इसको हटा के ना यहाँ पे एम के स्कोर रख लेना, ठीक है, या एम के एस को ऊपर रख लेना आप, जो भी है। तो गाइज ये हो सकती है यहाँ पे की टीम। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे मेवापे को रखूँगा कैप्टन, और वाइस कैप्टन में यहाँ पे से ग्रिजमान को रख लूँगा या मैं ग्रिड को रख लूँगा, ठीक है। ग्रिड भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिजमान भी अच्छा, दोनों में से किसी एक को मैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँगा। तो गाइज ये तो हो गई मेरी स्मॉल लीग की टीम। अब ग्रैंड लीग की टीम आपको कैसे क्रिएट करनी है, तो ग्रैंड लीग गाइज आप यहाँ पे ना दोनों साइड से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पोलैंड की टीम भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि यहाँ पे फ्रांस की टीम को हरा ना पाएगी, ठीक है ना। तो आपको पहले हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे फ्रांस के क्लीन शीट की, कि फ्रांस अगर क्लीन शीट लेता है या 1-0 2-0 से जीता, तो कैसे टीम होनी चाहिए। तो हम गाइज हम ऐसे फ्रांस के प्लेयर ले लेंगे, तो यहाँ से भाई जो भी है लोरियस खेलेगा शायद कल के मैच में, हर्नांडेस, कनाटे, वेराने, उपमेकानो, यहाँ से जो प्लेयर सबसे अच्छा पॉइंट लेता है वो है रेबियट, तो रेबियट को रख लेना। उसके बाद मेवापे के साथ पहले ट्राई करो, फिर तो पोलैंड के हमको ऐसे प्लेयर लेने सिर्फ पॉइंट देते हैं, वो हैं जेलेंस्की हो गए, ब्लीक हो गए, जो यहाँ पे पॉइंट देते हैं, और यहाँ से ग्लीक को रख लो आप, ठीक है। और एक प्लेयर आपको और चाहिए, तो यहाँ से आप भाई लेवनडोस्की को रख लो, ठीक है, दे देगा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से बात किया है, तो कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन आपको रोटेट करने हैं, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करने हैं यहाँ से मेवापे, लॉरियस, ठीक है, एक लॉरियस को ट्राई कर लेना, और यहाँ से एक आप उपमेकानो को ट्राई कर लेना, एक थियो हर्नांडेज को आप ट्राई करना, ये तीन को ट्राई करना। एक बार आपने मेवापे के साथ ये चीज़ कर दी, फिर मेवापे को हटा के आपको रखना है गिरुड को, फिर गिरुड के साथ ये चीज़ आप करना सेम चीज़, ठीक है। उसके बाद आप मेवापे को फिर से रख लेना, फिर आपको करना है यहाँ पे रेबियट के साथ ये चीज़ें कर देना, ठीक है, रेबियट कैप्टन, वाइस कैप्टन ये, वाइस कैप्टन ये, ठीक है, इस टाइप से। फिर रेबियट को हटा देना, उसके बाद रेबियट की जगह कोई दूसरा प्लेयर रख देना आप, ग्रिजमान रख देना, ठीक है, ग्रिजमान के साथ ये चीज़। तो ये फ्रांस 1-0 2-0 की तो हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सी पोलैंड अगर 1-0 2-0 जीतती है ना, तो वाली हम बनाते हैं ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग का गाइज ये कॉन्सेप्ट है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है फुटबॉल में, बहुत ही अच्छा है, आसान है जीतना। तो यहाँ से इसको यहाँ पर रख देते हैं, इनके गोलकीपर को यहाँ से ग्लिक को रख देंगे, ब्रेंसकी को रख देंगे, क्यूर कर देंगे, कैस को रख देंगे, एंड यहाँ से एक प्लेयर ऐसा रखेंगे जो पॉइंट देता है, वह है जेलेंस्की। यहाँ से लेवनडोस्की को, यहाँ से फ्रांस की तरफ जाएंगे, यहाँ से रेबियट को रख देंगे जो अच्छा पॉइंट देता है, यहाँ से बाद थियायो को रख देंगे हर्नांडेज को, यहाँ से ग्रिजमान को रख देते हैं, यहाँ से तोचुमैनी को रख देंगे जो कि ज़्यादा अच्छा पॉइंट देता है, ठीक है। तो भाई ये हो गई कौन सी टीम, ये तब आएगी ना काम, ये वाली टीम तब आएगी, जैसे अगर हम यहाँ पे जीत जाती है ये पोलैंड 1-0 2-0 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार लेवनडोस्की को, फिर यहाँ पे सेवेजनी को यहाँ पक्का यहाँ पे वाइस कैप्टन करना है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे ये पोलैंड 1-0 से जीत रही, तो उसको बहुत शॉर्ट एंड टारगेट सेव करने पड़ेंगे, मतलब 5-6 तो करेगा, समझ रहे बात है, ट्रिक होती है गाइज।
उसके बाद यहाँ पे करना है आपको एम कैश और ग्लिक, इन दोनों को मत करना, ठीक है ना। तो वैसे ही आप एक बार लेवेंडस्की के साथ घुमा लो, फिर लेवेंडस्की को हटा के सेवेस्की के साथ घुमा लो, फिर उसके बाद लेवेंडस्की को दोबारा अपनी टीम में रख लो, फिर यहाँ से जेनेस्की के साथ घुमा लो, ठीक है। ये फिर जेनेस्की के साथ ये चीज़ें होगी, ठीक है, ये फिर ये चीज़ें होगी जेनेस्की के साथ, फिर यहाँ से जेनेस्की को हटा के किसी और मिडफील्डर को रख लो। तो ऐसे करके गए आप यहाँ पे बना सकते हो पोलैंड वाली टीम, पोलैंड 1-0-2-0, जो कि काफ़ी अच्छा तरीका है। मैंने ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के मैच में ऐसे ही मैंने ग्रैंड लीग जीती है इस वर्ल्ड कप में। चाहो तो आप उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है गाइज। तो सिंपल सा फंडा है ग्रैंड लीग ऐसे जीतने का। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, क्योंकि मैं गाइज फालतू की ज़्यादा बात करता नहीं, सिर्फ मैं पे काम की बात करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि आप लोगों का भी टाइम भाई वैल्यूबल है, मेरा भी टाइम वैल्यूबल है, तो क्यों फालतू की बात करनी है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फाइनल टीम के लिए आप मेरे यूट्यूब सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आ जाना। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।